एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। रंग में है प्यार की बोली, उफ ये होली, हाय ये होली। आप लोगों ने अगर मेरे को बर्थडे विश नहीं किया है तो कर दो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाव मिलने में। और उसके बाद सेकंड बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को अगर एक ही कपड़ों में दिखता हूं तो दिखते रहूंगा, क्योंकि मेरे को वक्त नहीं मिल पा रहा यार, टाइम नहीं मिल पाता यार। क्योंकि अब देखो होलियां शुरू हो गई हैं, तो हमारे यहाँ होलियां होती हैं और घर में इतना हल्ला होता है कि उनको मैनेज नहीं कर पाते। अब रात को भी मैं थकी जाता हूँ, इंसान देखो कितना करेगा, ठीक है। उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ लोग जुड़कर मतलब वाइब करें, तो उसके लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो आज मैं सुनने वाली हूँ, देखो मैंने अपने पे 5 गाने मैंने अपने आप में दिमाग में सोच रखे कि मेरे को रिएक्ट करना था। मैं बहुत बार लिखा यार आरपी सिंह के जहाज पे कर दो, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। शाय है, एमयू बंटाई का शाय है करके कोई गाना है, उस पर करने के लिए भी मैंने बहुत सारे सेकंड वो सोच ही रखा है। एक मुझे सिद्धू मूसे वाले के किसी भी गाने पे करना है, क्योंकि मेरे को वैसे भी बहुत लेजेंड इंसान है वो, और करना है, ठीक है, उनके गाने पे। पानी खोल दिया घर में किसी ने। और चौथी और लास्ट बात, कुत्ते भौंकने शुरू हो गए हैं। बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि एकता वीडियो में डांस के अलावा कुछ कर दे, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो तरह तरह के रिएक्शन करने वाले होते हैं, ये लाइन मेरे को सब में ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार मुझे कोई नए लोग देखते हूँ। तो ये ऐसा नहीं कि मेरे को बुरा लगता है कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि लग सकता है यार लोगों को, ठीक है, कि हाँ ये तो बस नाच रही है, इसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो मैं बताती हूँ, मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं बीट को सुन के मेरे को जो तड़का भड़का दे, मेरा सर घुमा दे, तो मैं वहाँ पे नाचने लगती हूँ। सेकंड, लिरिक्स अगर मेरे को समझ में आता है तो और मैं मेरे को माता आ जाती है। थर्ड, अगर मेरे को और मेरे को क्या समझ में आता है म्यूजिक की समझ, मैं तब बताऊंगी जब मैं अपडेट करूंगी कि आई एम लर्निंग म्यूजिक, क्योंकि मैं सीख रही हूँ, वो मेरा बकेट लिस्ट में है। तो मैं म्यूजिक सीखूंगी तो मैं आपको बताती रहूंगी कि मेरे को क्या क्या समझ में आ रहा है। ऐसे ही नहीं करूंगी रिएक्शन में, मैं पहले खुद पे काम करूंगी फिर रिएक्शन करूंगी। फिर से थोड़ी सी गरीबी आ गई है क्योंकि मेरे ब्लूटूथ चार्ज नहीं करा था, देख रहे हो वक्त की कमी दिखाते हुए। तो मैं आज सुनने वाली हूँ, पहले एमवी का गाना आ चुका है नया यार, और चाहे नया गाना आ चुका है तो मैं कैसे छोड़ दूं भाई। मैं पहले सुन लेती हूँ सीन चेंज, और अपन भी कर लेते हैं सीन चेंज। हल्ला हो रहा हो तो प्लीज आप हटा ही देना दिमाग को, क्योंकि मेरे घर में होता रहता है। मेरे घर में हल्ला होने का मतलब कि हमारे घर में बोलते ही सब बहुत तेज तेज है यार, सब बहुत तेज बोलते हैं। इन लोगों ना है फर्स्ट क्लास, अपन गाड़ी देगा प्लेन, बिजी में काउंटिंग माय ब्लेसिंग, न करा मैं कभी कंप्लेन, सोचिन के लगते हैं वाहियत, सॉरी ब्रो वी नॉट द सेम, मांगे फेम की भीख तो सीने में लाया मैं चेंज, सीने में लाया मैं चेंज, सीने में लाया मैं चेंज, ये जानते क्यों लिट मेरी गैंग, काफी लोगों को दिया मैं फेम, सीने में चलो बेड़ा बहुत हुआ, वो जी लोग आए ले बचकाने हो जाओ सब बाजू, चले सब लोग यहाँ सस्ते में बिक जा रहे, बिचेस नो स्टिल वी मेंटेन इन द वैल्यू, मालूम है ना, अब देखो मालूम है कितना खमीना, मैं सोया हुआ शेर ना जगा दू, जो सारे बंदिया पड़ी है मेरे हिटर को कैसे मेरे दिल में जगा दू, फिल्म बनाओ इनकी दिल में जगह मांगे शॉर्टी खरी मुझसे विनती, दे डोंट रियली लाइक मी विनिंग बिजी में पैसों की करा गिनती, ये चिंडी लोग को मालूम कौन बाप रैपर ने, मैं इंडिपेंडेंट रैपर बेटा नंबर वन ग्लोब का, कभी नहीं रुका मैं हाथ अभी हूँ अनोखा, ब्रांड का मैं काम करा कमारा मैं खोखा, इन लोगों के फैंस इन लोगों को देंगे ठोका, जिस करू साले ये भागेंगे लेके लोटा, हाँ मालूम है इन लोगों को हरा में हूँ मैं छोक रहा, जितने भी आगे बढ़े ले नाम लेके छाम लेंगे, 2023 बंद करूंगा सबका, रास्ता खाली कर चल साइड दे, अगर साथ मेरी चिल करना चाहता अच्छी वाइब दे, सिंटी को कर डाला तेरे भाई ने, हेटरों को दिखा डाला आईने, इन लोगों ना है फर्स्ट क्लास, अपन खरीदेगा प्लेन, बिजी में काउंटिंग माय ब्लेसिंग, न करा मैं कभी कंप्लेन, सोचिन के लगते है वाहियत, सॉरी ब्रो वी नॉट द सेम, मांगे फेम की भीख तो सीने में लाया मैं चेंज, मत आगे ले अपन तो भागे ले सारे, क्योंकि ये रैपर फादर है पागल है, जो मुझे करे कंपेयर किसी आर्टिस्ट से, दिल में जगह ना बनाया मेरे तो गाने मेरे बोले मारे से, फ्लो फेंक के ब्रो देख के चलो क्योंकि तड़तड़ी है फ्लो, सबर वाला शॉट वरना गड़बड़ी है ब्रो, गर्दी मेरे चलता वहां पे हड़बड़ी है ब्रो, बिजी मेकिंग लव विद शॉर्टी क्योंकि सर चढ़ी है ब्रो, बंदा ने कर लिया टेक ऑफ, सारे नाउ टेक ऑफ योर मेकअप, फ्रेंड्स मेरे मेरी तरह बेक ऑफ, क्या क्या करूंगा तू देखो, सपना पूरा करो वेक अप, कब तक बनेगा तू फेक अप, जीत नहीं पाया वे कोई भी, कैसे करेगा तू फेस ऑफ, नल्ले सारे ये ओपोनेंट, भारी कोई करो मुझे।
मुझे रेकमेंड, बैठा मैं इतनी ऊंचाई पे, कैसे करेगा तू मेजरमेंट। गाड़ी भागी तेज, गाना हैवी बेस, मेरा क्रेज है कि फ्रेज में एक्सप्लेन कैसे करूं मैं, जो भी मैं लाला ऑन द फेस, बेबी फेस वाले रैपर उसे कैसे डरूं मैं। इन लोगों को उड़ना है फर्स्ट क्लास, अपन गाड़ी देगा प्लेन, बिजी मैं खाने में ब्लेसिंग, न खरा मैं कभी कंप्लेन, सोचिन के लगते है वाहिया, सॉरी ब्रो वी नॉट द सेम, मांगे फेम की भीख तो, सीने में लाया मैं चेंज, सीने में लाया मैं चेंज, सीने में लाया मैं चेंज, ये जलते क्यों लिट मेरी गैंग, काफी लोगों को दिया मैं फेम, सीने में लाया मैं चेंज, सीने में लाया मैं चेंज, ये जलते क्यों लिट मेरी गैंग, काफी लोगों को दिया मैं फेम। ठीक है, सीने में लाया मैं चेंज। अब एक बात कहनी पड़ेगी कि भाई साहब ये गाने बहुत जल्दी बना रहे हैं, बहुत जल्दी निकालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कुछ मैंने कंपनी किया था एक महीने पहले, अभी फिर से आ गया है गाना, और लिखना पड़ता ही है। देखो लिखा अच्छा खासा लिखा ही है इन्होंने। मैं एक बात बोलूंगी, जैसे मैंने एक 6 साल पुराना गाना सुना था, अभी तक मैं एमवे के जो भी गाने सुनती हुई आ रही हूँ उसमें मेरे को अभी तक दिमाग में जो हिट किया है ना गाना, वैसे तो बहुत सारे अच्छे गाने होंगे देखो, और क्या पता और अच्छे व्यूज वाले भी गाने हों, पर मैं व्यूज की भी चिंता ना करूँ तो मुझे ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, मेरे दिमाग में अभी भी चढ़ा हुआ है यार, मुझे गाने का फ्लो का नहीं पता, मेरे तो रिव्यू का फ्लो बिगड़ जाता है घर में नीचे से, इतने जोर जोर से क्यों बोलते हैं पूरे घर वाले सब। जो भी चीज़ देखो उन्होंने फिर से अभी अपने बारे में बताया है, और जिनको भी ये बता रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि मुझे कुछ अच्छा रिकमेंड करो, मुझे हैवी रिकमेंड करो, जिनके बारे में बात हो रही है, मेरे को उनसे जीरो मतलब नहीं है। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि ये अपने बारे में भी किस तरह का लिख रहे हैं, उसमें भी लिखावट की ही तो बात है ना यार, रैप और क्या, लिखावट की तो बात है। बाकी की चीज़ें मुझे समझ में नहीं आएगी, वो मैं म्यूजिक सीखूंगी तो साथ साथ आपको बताती रहूंगी कि अच्छा ये अच्छा वो, खाली वेले होकर रिएक्शन नहीं देंगे हम सीखेंगे, पहले काम करेंगे खुद पे तब देंगे। कुछ जितना समझ में आया, मैंने जिस तरह का इनका खुद के बारे में चीजें लिखना, तो मैंने इनका वो वाला 6 साल पुराना जो गाना देखा ना यार, उसकी टक्कर का गाना मुझे अभी तक आए होंगे गाने बहुत सारे, जैसे कंपनी मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मुझे ये उतना नहीं जमा उस टक्कर में। भाई ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं, मेरी जुबान पे है, अमीर बाप का बेटा मैं, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, अगली तेरी अगली मेरी, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, तेरी जिंदगी मजे में, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। तो मतलब यार वो गाना मेरी जुबान पे अभी भी चढ़ा हुआ है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि गाना खराब है, इन्होंने लिखा कुछ गलत नहीं है, बस मैं कहता हूँ कि अभी मैं वो 6 साल पहले की चीज को अगर आज मैं बोल रही हूँ कि वो चीज़ अच्छी थी, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा 19-20 काम हो रहा है। ठीक है, बाकी इस गाने की बात करूँ तो मेरे को ठीक लगा, फ्लो अच्छा लगा, नहीं आता टर्म्स बता देती हूँ, लेकिन अब तुम क्यों रिएक्शन कर रहे हो भाई, सीखेंगे तभी तो करेंगे ना। जो चीज बीच में जो रह पाया था, ये जो पूरी उन्होंने अपने बारे में इंडिपेंडेंट रैपरों करके जो पूरा ये बताया था वो ठीक था, अच्छा था, बट मैंने इनका बहुत बढ़िया सुना है यार, तो मेरे को होती है कि और अच्छा है और अच्छा है। तो मुझे कंपनी अभी तक में जो नया आया गाना उसमें मुझे कंपनी बहुत अच्छा लगा था सॉन्ग, आप लोग देख भी सकते हो, मेरे रिएक्शन देख सकते हो, शक्ल पे भी दिख जाता है और मैं पागल हो जाती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, मैं कोशिश करती हूँ अगले में रिएक्ट करूँ मैं फटाफट, तो प्लीज़ अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड टाटा। सब्सक्राइब मारो, चैनल खो जाते हैं क्योंकि हर बंदा रिएक्शंस कर रहा है, ये अपनी मेहनत नहीं है यार, ये मेहनत ही नहीं की है, मैं तो चाहती हूँ बस वाइब करके जाओ एकता पांडे रिएक्शंस के साथ। बाय, बहुत बोल दी, तारीफ हो गई ज़्यादा, और ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, हर मिडिल क्लास फैमिली का यही हाल है। बाय।